हेलो, 10th स्टैंडर्ड के इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स का वापस एक बार स्वागत करता हूँ मैं अपनी ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस उसमें। ठीक है, और हमारा जो ये ऑनगोइंग चैप्टर है उसका आगे का लेक्चर हम शुरू करते हैं। जो चैप्टर का नाम है आप लोग जानते ही हो, द ऑनगोइंग चैप्टर राइट नाउ आई हैव ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, काफी लंबा चैप्टर है और पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की इसमें हम जनरली चर्चा कर रहे हैं, और जहां पर हम पहुंचे इट्स ऑन पेज नंबर 137, दैट्स वेयर वी हैव टू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम। पेज नंबर 137 पे लिखा है जो टॉपिक पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, यहां पर भी मैंने लिखा है पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम। Now, I will tell you briefly what is the meaning of alleviation. Poverty alleviation program का मतलब क्या होता है वो मैं पहले आपको समझा दूं। Alleviation का मतलब होता है रिमूवल, रिमूव करना। और किस चीज को यहाँ पे रिमूव करने की बात है, तो ऑब्वियसली पॉवर्टी को रिमूव करने की बात है। हालांकि बहुत ही मुश्किल, इट्स अ काइंड ऑफ अ डॉन्टिंग टास्क फॉर एनी गवर्नमेंट दैट रूल्स ऑन इंडिया। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट के लिए बहुत ही सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया में गरीबी को दूर करना ही है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट अपने अपने तरीके से स्टेप्स उठा रही है, और जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग हमारा होता है उसके मुताबिक हर गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे काम करती है। ठीक है, तो ये पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम बेसिकली क्या है, क्या क्या उसमें शामिल है, वो हम जानेंगे आज पेज नंबर 137। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक पॉवर्टी एलिविएशन सॉल्यूशन सक्सेसफुल, द रूरल एंड अर्बन पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन शुड गेट डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट फ्रॉम वेरियस वेलफेयर स्कीम्स। ये एक्चुअली एक सॉल्यूशन है कि गांव में रहने वाले, खास करके गांव में, और कुछ लोग जो अर्बन, क्योंकि शहरों में रहने वाले लोग भी गरीब होते हैं, तो खास करके वैसे लोग चाहे गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, बिलो पॉवर्टी लाइन में जो लोग आते हैं, ठीक है, उनको डायरेक्टली गवर्नमेंट की ओर से फाइनेंशियल हेल्प मिल पाए, तो उनकी गरीबी में काफी कुछ बदलाव आ सकता है। ठीक है, तो उनको फाइनेंशियल हेल्प किस तरह से प्रोवाइड किया जाए, तो उसके लिए अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं। ऐसा नहीं कि सीधा गवर्नमेंट उनके घर पे जाके पैसे दे देती है, इट्स नॉट, इट डजेंट वर्क दैट वे। लेकिन पहले उनको ये साबित करना पड़ता है कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं कि नहीं, एंड देन देयर पॉवर्टी इज कवर्ड अंडर वेरियस स्कीम्स। ओके, देयर मे बी अ चेंज इन द नेम ऑफ दीज प्रोग्राम्स, बट द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर फैमिली सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, इम्प्रूव एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, फूड सिक्योरिटी, प्राइवेट प्रोवाइड एजुकेशन, डेवलप स्किल थ्रू ट्रेनिंग सो दैट इकोनॉमिक कंडीशन में इम्प्रूव, लीडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड मे पॉट देम अबव पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो पर्पस जो है वो काफी लंबा चौड़ा सेंटेंस मैंने यहाँ पे पढ़ा। ठीक है, उसमें काफी सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती है, किसी को फाइनेंशियली हेल्प करना और उसकी गरीबी को दूर करना, ये दोनों बातों में बहुत फर्क है। फाइनेंशियल हेल्प यहाँ पे करनी है, लेकिन किस तरह से, कि सबसे पहले उनका कुछ वेलफेयर हो पाए। ओके, सबसे पहला ये है कि उनके लिए कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट कर पाए। ठीक है, सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, पूरे फैमिली के लिए। ठीक है, अगर वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से इन्वॉल्व है वो फैमिली, तो उनकी एग्रीकल्चर की क्वालिटी में थोड़ा सा सुधार हो। रूरल डेवलपमेंट, अगर वो गांव में रहते हैं तो उनकी गांव में रह जो जो कुछ भी उनकी जो जरूरत है उनको पड़ती है वो पूरी हो पाए। फूड सिक्योरिटी उनको प्राप्त हो, ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि एक बेसिक नीड है ये। ठीक है, कि एटलीस्ट टू मील्स अ डे उस फैमिली को मिल पाए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी इंसान को खाना मिलता है पेट भर के,
तब जाके वो कोई क्रिएटिव एक्टिविटी करने के बारे में सोचता है। सो फूड सिक्योरिटी इज ऑल्सो अंडर दिस प्रोग्राम। प्रोवाइड एजुकेशन, ये भी बहुत जरूरी है कि उनके बच्चों को अगर एजुकेशन सही ढंग का मिलेगा तो आज उनकी जो हालत है वैसी हालत आने वाले कल को नहीं होगी, थोड़ा सा बेटर अपॉर्चुनिटीज के साथ वो जी पाएंगे। और अगर एजुकेशन ज्यादा नहीं लेना है उनको तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्रेनिंग वगैरह, ठीक है, वो प्रोवाइड करके भी उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने का कोशिश की जा रही है, ठीक है, जिससे उनकी सोशल सिक्योरिटी जो है वो समाज में उनका जो स्थान है वो एक थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल पोजीशन वो उसमें वो लोग जी पाए, ठीक है, ये गवर्नमेंट का एक पर्पस है। प्रेजेंट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव इम्प्लीमेंटेड एम्प्लीमेंटेड वेलफेयर प्रोग्राम्स। इट इज ट्राइड टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पुअर इन सिटी बाय इम्प्रूविंग ज्योग्राफिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज विद रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी विल रिड्यूस। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट जरूर है लेकिन अगर कहने का मतलब यही है कि ये प्लानिंग जो है गवर्नमेंट की उसको सही ढंग से इंप्लीमेंट कर पाएंगे और खास करके गरीब लोगों तक ये स्कीम्स पहुंच पाएंगी, ठीक है, तो गरीबी में हम काफी कुछ हद तक, ऐसा तो नहीं कह सकते कि हम उसको कंप्लीटली रिमूव कर पाएंगे लेकिन काफी हद तक हम उसको रिड्यूस जरूर कर पा सकते हैं, ठीक है। आगे का पैराग्राफ है, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम और स्कीम्स में भी डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। यहां पे आपको ब्रैकेट करना है, ये जो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम की हम चर्चा अभी कर रहे हैं उसके 5 हिस्से हैं। सबसे पहला है वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि कुछ भी करके उनको ऐसा रोजगार दिया जाए, एम्प्लॉयमेंट दिया जाए ताकि उनको आमदनी हो और वो आमदनी अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में वो खर्च कर पाए। दूसरा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। अगर उनको कहीं पे नौकरी नहीं करना, ठीक है, तो छोटा मोटा उनका बिजनेस कुछ इस तरह से डेवलप करें वो, ताकि वो आत्मनिर्भर बन पाए, ठीक है, और अपनी बेसिक नीड्स को भी इसके जरिए वो पूरी कर पाए। तीसरा है प्रोग्राम्स रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी। कुछ ऐसा प्रोग्राम भी है पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम में जिसके बदौलत उनको फूड सिक्योरिटी पर्याप्त हो। इसमें काफी हद तक हमें सफलता मिली है। मैं आपको ऑलरेडी आगे बता चुका हूं कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है पीडीएस, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है और उसके जरिए हजारों की संख्या में राशन की दुकानें हैं पूरे देश में, ठीक है, तो उसके जरिए उनको बहुत ही चीप रेट में ग्रेन्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है, जिससे ये फूड सिक्योरिटी जो है वो उनको लगभग, ये प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो गया है, ठीक है। फिफ्थ वाला क्लासिफिकेशन है प्रोग्राम्स रिलेटेड टू सोशल सेफ्टी। उनका सोशल सेफ्टी होना भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये लोग, गरीब लोग जो है वो बहुत ही सोशली वल्नरेबल होते हैं, उनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता होता है क्योंकि वो अनएजुकेटेड है, ठीक है, और इसलिए उनका एक्सप्लॉयटेशन होने की संभावना भी बहुत ज्यादा रहती है, उनका शोषण होने की संभावना ज्यादा रहती है। दे आर नॉट वेरी मच अवेयर, इसलिए सोशल सिक्योरिटी भी इसके अंदर शामिल करना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर आगे है, हाँ, प्रोग्राम्स रिलेटेड टू सोशल सेफ्टी, और उसके आगे है प्रोग्राम्स ऑफ एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी इन अर्बन एरियाज। ओके, यहाँ पे खास करके अर्बन एरियाज की बात की गई है कि अच्छी खासी मात्रा में गरीबी जो है वो शहरों में भी देखने को मिलती है, तो उनके लिए भी थोड़े बहुत प्रोग्राम्स अलग है। प्रेजेंटली मेनी सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स आर इम्प्लीमेंटेड इन दीज 5 सेक्शंस। ये 5 सेक्शन में काफी सारे प्रोग्राम चल रहे हैं लेकिन वी विल बी मेकिंग कंपाइल्ड एंड ऑमिनस डिस्कशन ऑफ मेन प्रोग्राम्स। कुछ मेन प्रोग्राम्स की ही यहाँ पे हम चर्चा करेंगे।
हालांकि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव तो काफी सारे हैं, ठीक है, सभी को अगर हम पढ़ने जाएं तो ये पूरा बुक भी कम पड़ेगा, इसलिए कुछ मेन मेन प्रोग्राम्स जो है उसको जानना हमारे लिए जरूरी है, उसी की हम यहाँ पे बात करेंगे। मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉलोइंग स्कीम्स मेंशन बिलो इज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, ठीक है। उनको सबसे पहले अगर वो गांव में रहते हैं तो एग्रीकल्चर का स्मूथली हो पाए इसलिए इरिगेशन प्रोवाइड करना, रोड, फूड सिक्योरिटी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सेलिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ये सारी बातें उसमें आ जाती है, ठीक है। सो दैट डायरेक्ट इनकम इज अर्न्ड व्हिच विल इम्प्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द पुअर, ठीक है। वो एग्रीकल्चर तो करते हैं ऐसे गरीब फार्मर्स, लेकिन उनका सेलिंग के जरिए उनको डायरेक्टली कुछ इस तरह से आमदनी हो जो एक कंसिडरेबल इनकम कह सकते हैं, ठीक है, जिसके बदौलत उनको भी एग्रीकल्चर करने में उत्साह जो है वो बना रहे हैं और अपनी कंडीशन में एक चेंज उनको देखने को मिले। ये एक मेजर ऑब्जेक्टिव है खास करके फार्मर्स की गरीबी को दूर करने के लिए, ओके। पहला प्रोग्राम जो है उसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब आपको याद रखना है कि ये जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स यहाँ पे लिस्ट आउट किए गए हैं, दो दो मार्क के क्वेश्चन में वो आते हैं, ठीक है, दो दो मार्क की शॉर्ट नोट भी हो सकती है। सपोज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो उसमें कौन कौन से रिकमेंडेशन है वो आपको याद होना जरूरी है, उसको पढ़ूंगा मैं। अंडर नेशनल एग्रीकल्चर प्लान देयर शुड बी इंक्रीज इन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट एंड सेक्टर्स रिलेटेड। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई, कृषि यानी एग्रीकल्चर होता है, और सिंचाई ये हिंदी वर्ड, सिंचाई का मतलब होता है इरिगेशन, ठीक है। तो एग्रीकल्चर को इरिगेशन प्रोवाइड करने वाला ये स्कीम है, तो नाम से ही बहुत ही क्लियर है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन इरिगेशन फैसिलिटीज, इरिगेशन फैसिलिटीज शुड रीच एवरी पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, ओके। इरिगेशन को प्रोवाइड करने का गवर्नमेंट का प्लान कुछ इस तरह से है कि जहां जहां पर खेती बाड़ी हो रहा है, ठीक है, वहां पे इरिगेशन के जरिए पानी पहुंचना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, जहां पे बहुत पानी की कमी है वहां पे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वो मेथड भी सिखाया जाता है, उसके जरिए भी इरिगेशन प्रोवाइड किया जाता है कि एटलीस्ट क्रॉप्स को पानी मिल पाए, चाहे दूसरे एरिया में पानी की कमी हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट खेतों में क्रॉप्स को पानी मिल पाए, इसलिए ड्रिप इरिगेशन मेथड भी वहां पे सिखाया जाता है। अलॉन्ग विद कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल, बिग, मीडियम साइज चेक डैम्स टू कॉम्बैट वाटर प्रॉब्लम्स, सो दैट एवरी फील्ड गेट्स वाटर, ठीक है। अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता है तो फिर हर एक फील्ड को, हर एक खेत में पानी पहुंच सकता है। सच टाइप ऑफ स्टेप्स हैव बीन टेकन सो दैट फार्मर्स आर सेफ फ्रॉम डेंजर्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड देन दे बिकम फ्री फ्रॉम विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग देम एम्प्लॉयमेंट इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर इनकम, ठीक है। अगर इस तरीके से कुछ भी करके एग्रीकल्चर को प्रोत्साहन देने के लिए इरीगेशन फैसिलिटी अगर सही ढंग से उनको प्रोवाइड करवाया जाता है, तो गरीबी के चक्कर में से कोई भी फार्मर जो है, या तो फिर कर्जे के चक्कर में से कोई फार्मर है, तो वो बाहर आ सकता है, ठीक है, और एटलीस्ट अपनी इनकम जो है वो बेसिक लेवल की वो मेंटेन कर सकता है और सोशली एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन में वो जी सकता है, ठीक है। तो ये पर्पस है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, ओके। नाउ मूविंग ऑन, उसके जैसे ही दूसरा एक स्कीम है प्राइम मिनिस्टर फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस। यहां पे हम इंश्योरेंस की बात कि चलो एग्रीकल्चर तो सक्सेसफुली अगर कोई फार्मर कर सकता है, ठीक है, लेकिन बाय चांस अगर क्रॉप फेल हो गया तो क्या, तो उसके लिए इंश्योरेंस का स्कीम भी चल रहा है जिसको नाम दिया गया है प्राइम मिनिस्टर फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान, ओके। बाय इंप्रूविंग फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान
Farmers are to be helped at the time of natural calamity by providing them economic support. ये insurance plan का purpose यही है कि in case of natural calamity, बहुत ज्यादा बारिश हो गई है, या तो बारिश बहुत कम हो गई है, या तो दूसरे कोई कारण की वजह से फिर crop fail हो गया, तो financial help government के द्वारा ऐसे farmers को पहुंचाई जाती है, ठीक है? इस तरह से सपोर्ट दिया जाता है. गवर्नमेंट स्टार्टेड गिविंग बोनस एट द परचेस ऑफ कॉटन एंड कंसेशन एट लॉस और डैमेज ऑफ क्रॉप्स. ठीक है, जितना भी क्रॉप्स को नुकसान हुआ है किसी भी पार्ट, तो उसके सामने गवर्नमेंट कंसेशन देती है, फाइनेंशियल रिवॉर्ड उनको मिलता है, ठीक है, और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलता है, हम ऐसे भी कह सकते हैं. और उससे जो लॉस उनका होता है वो थोड़ा बहुत भरपाई हो जाता है, ठीक है. लेकिन हाँ, ये इंश्योरेंस उस फार्मर ने लिया होना जरूरी है. इन केस इफ द क्रॉप इज नॉट कवर्ड अंडर इंश्योरेंस देन दे कैन नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम. तो वो इंश्योरेंस इतना तो एटलीस्ट उनको नॉलेज होना चाहिए कि गवर्नमेंट इस तरह से इंश्योरेंस प्रोग्राम भी चला रही है कि नेचुरल कलामिटी की वजह से अपने क्रॉप को अगर नुकसान हो जाता है तो ऐसी हालात में उनको फाइनेंशियल हेल्प गवर्नमेंट की ओर से मिल सकती है, ठीक है. कृषि मुक्त, हाँ, क्षति मुक्त कृषि भाव पंच हैज बीन सेट अप टू स्टेबिलाइज द प्राइसेस. ये एक हिंदी फ्रेज है एक्चुअली पूरा. क्षति मुक्त कृषि भाव पंच मतलब उसका ये होता है कि क्षति मुक्त यानी विदाउट डैमेज, ओके, विदाउट डैमेज भाव पंच यानी कि लाइक डैमेज नहीं हुआ, एटलीस्ट एक बेसिक लेवल का डैमेज हो जाता है. कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल जितना डैमेज हुआ है उतना उनको फाइनेंशियल रिवॉर्ड शायद नहीं मिलता है, लेकिन कुछ हद तक 60-70% तक का तो डैमेज कंट्रोल फाइनेंशियल हेल्प से डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है. तो उसी स्कीम को हम कहते हैं क्षति मुक्त भाव पंच, ओके. उसके बाद आता है नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, ओके. ये भी बहुत जरूरी है कि जैसे हम खेतों में क्रॉप्स को अगर इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर गरीब लोगों को खाना तो चाहिए ही, लेकिन साथ में पीने के लिए जो पानी मिलता है वो भी प्योर ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, ठीक है. तो वो भी एक स्कीम है, नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम. प्रोग्राम्स लाइक प्रोवाइडिंग वाटर एवरी फील्ड, इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग कैनल नेटवर्क, स्टॉप सॉइल इरोजन, न्यू ट्यूबवेल फॉर ड्राइवर्स, प्रिवेंशन ऑफ सैलिनिटी हैव बीन इंप्लीमेंटेड, ठीक है. विदाउट सैलिनिटी वाला पानी जो है वो कैनाल के जरिए और वो भी फिल्टर किया हुआ पानी, ठीक है, वो पानी गांव गांव में पहुंच सके, वैसा स्कीम गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट जरूर किया है. अदर देन दिस प्रोग्राम ऑफ डिगिंग पॉन्ड्स, वॉटरशेड डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक्स, कंजर्वेशन ऑफ मेन रेन वाटर, एफोरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन लाइन ऑफ कैनाल, planting trees and shrubs, renovation and revitalization of check dams etc. have been started. कुछ बातें farmers को यहाँ पे सिखाई भी जाती है, ठीक है, कि उनका जो खेत है वहां पे आसपास पेड़ों को उगाना, ठीक है, रेन वाटर को स्टोर करना ताकि आपातकालीन सिचुएशन में वो काम में आ सके, ठीक है, एफोरेस्टेशन करना यानी कि जो सूखी और बंजर जमीन है वहां पे कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि पेड़ उगाने चाहिए उनको, तो आने वाले समय में उनको ही वो काम में आ सकते हैं, क्योंकि तो खास करके ऐसे एरिया के करीब रहते हैं वो लोग, ठीक है, तो वो भी बहुत जरूरी है. और जितने ज्यादा पेड़ उगाएंगे उतने बारिश भी ज्यादा होगी, तो कुदरती रूप से आने वाले समय में उनको पानी मिलता रहेगा, ठीक है. तो इस तरह से भी उनको प्योर ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने की कोशिश जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है. स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रोवाइड फाइनेंस एट द लो रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, ओके.
यानी कि कुछ ग्रामीण बैंकों से फार्मर्स को लो इंटरेस्ट पर लोन भी मिलता है, कर्जा मिलता है, और उसको बहुत ही आसान किश्तों में वो वापस चुका सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया हेल्प इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की ओर से। फॉर खरीफ क्रॉप्स कैटल रेयर, कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जो बहुत बड़ी संख्या में भेड़ बकरियां वगैरह एनिमल्स रखते हैं जिसको कैटल रेयरिंग कहते हैं। ओके, तो उनको खाना खिलाने के लिए, फोडर खरीदने के लिए, स्टोरिंग फर्टिलाइजर एंड ऑल्सो टेकन सॉलिड स्टेप्स इन इरिगेशन स्कीम्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, उसके अलावा भी इरिगेशन स्कीम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा काफी सारे स्टेप्स उठाए गए हैं। ओके, स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रोवाइड फाइनेंस एट द लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, वो तो हो गया। गुजरात गवर्नमेंट हैज अंडरटेकन प्रोग्राम्स फॉर पॉवर्टी एलिमिनेशन। पॉवर्टी एलिमिनेट करने के लिए गुजरात ने काफी सारे प्रोग्राम्स चला के रखे हैं सालों से। सिंस लास्ट 10 इयर्स गवर्नमेंट हैज बीन ऑर्गेनाइजिंग पॉवर्टी वेलफेयर फेयर फॉर हेल्पिंग फार्मर्स टू बिकम सेल्फ रिलायंट। ठीक है, ये सालों से एक स्कीम गुजरात गवर्नमेंट और शायद दूसरे स्टेट्स में भी चल रही है। ठीक है, कि पॉवर्टी वेलफेयर फेयर कह सकते हैं जिसको, जिसमें फार्मर्स को सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं, वो किस तरह से हो सके वो सिखाया जाता है। ओके, एंड देन द फोर्थ स्कीम इज ई नाम स्कीम। ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए फार्मर्स को ऑब्वियसली अपने क्रॉप्स का सेलिंग जो है वो इंटरनेट के जरिए भी वो कर पाए, वैसी सुविधा आजकल उनको प्रोवाइड करवाई जा रही है। अंडर दिस प्रोग्राम एग्रीकल्चर मार्केट हैज बीन सेट अप फॉर द फार्मर्स इन विच फार्मर्स मे गेट देयर प्रोडक्ट्स लिस्टेड। ओके, कुछ ऐसी एप्स हैं, कुछ ऐसी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं जहां पे फार्मर्स अपनी प्रोडक्ट प्राइसेस के साथ लिस्ट आउट कर सकते हैं और जिसको परचेस करना है वो डायरेक्टली ऑनलाइन बिडिंग के जरिए फार्मर्स के पास से वो प्रोडक्ट्स खरीद भी सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेडर में भी फ्रॉम एनी प्लेस, जैसे कि मैंने बताया आपको, यहाँ पे भी वही चीज लिखा है कि ऑनलाइन ट्रेडर खरीदने वाला इंडिया में या तो इवन दुनिया में कहीं पे भी है तो ये फार्मिंग प्रोडक्ट जो है वो कहीं से भी बिडिंग करके उसका भाव लगा के वो खरीद सकता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान इज टू सेव फार्मर्स फ्रॉम लॉस फीस बाय देम ड्यू टू मीडिएटर्स ब्रोकर्स एंड दे गेट मोर रेन्यूमरेशन एंड मोर अर्न मोर इकोनॉमिक प्रॉफिट ड्यू टू कॉम्पिटिशन। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जहां तक हो सके बीच में जो मिडल मैन होते हैं उनको रिमूव करना। ठीक है, मिडल मैन या तो एजेंट्स जो होते हैं इनको रिमूव अगर कर दें तो फार्मर्स को मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाता है क्योंकि फार्मर्स डायरेक्टली अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है यहाँ पे, इसलिए उसने जो भाव लगाया है, ठीक है, लगभग वही भाव उसको मिल जाता है ऑनलाइन ट्रेडिंग के जरिए। तो पहले के मुकाबले अब आजकल के फार्मर्स को इस टेक्नोलॉजी के जरिए अगर वो सेलिंग करता है अपने प्रोडक्ट्स का तो उसको अच्छा खासा फाइनेंशियल रिवॉर्ड उसकी वजह से मिल जाता है। ठीक है, दस सच स्टेप्स शुड बी टेकन विच डेवलप एग्रीकल्चर एंड यील्ड मैक्सिमम रिटर्न्स। ठीक है, तो ऐसे स्टेप्स कुछ एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, खास करके हम यहाँ पे एग्रीकल्चर की अभी तक बात कर रहे थे, उसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने अभी तक ले रखे हैं सो दैट फार्मर रिमेंस इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर बिजनेस। ओके, एग्रीकल्चर को थोड़ा सा प्रमोट करना भी जरूरी है क्योंकि हमारा खाना जो है वो खेतों में पकता है। अगर एग्रीकल्चर से फार्मर्स डिस्करेज हो जाएंगे तो फिर बहुत बुरी सिचुएशन ये हो सकती है कि खाने पीने की चीजें हमें इंपोर्ट करनी पड़ सकती है बाहर के देशों से, जो कि अल्टीमेटली महंगी होगी और सभी लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो आइडियली होना यह चाहिए कि एग्रीकल्चर के जरिए हमारे खाने पीने की जो जरूरत है
वह यहीं पे हमारे देश में ही अगर पूरी हो जाए ठीक है, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए। और साथ ही साथ में गरीबी दूर करने के लिए फार्मर्स को इससे हेल्प भी मिल सकती है ठीक है। उसके अलावा दूसरी जो स्कीम्स हैं गरीबी हटाने के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएट जो की, वो बहुत सारी स्कीम्स हैं। ओके, तो उसको डिटेल में अब हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, पेज नंबर 138 ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ, बाय बाय एंड एंजॉय योर डे।